इंस्टाग्राम पर दोस्तों हाल ही में अगस्त के महीने में एक बंदा आता है जो कि इंस्टाग्राम पर अपनी रील बनाना स्टार्ट करता है। तो स्टार्टिंग में तो दोस्तों सभी लोगों की तरह उसको भी व्यूज थोड़े थोड़े कम मिलते हैं, फिर धीरे धीरे उनके व्यूज अचानक से इंक्रीज होने लगते हैं। उसके बाद अचानक से इनका एक रील वीडियो वायरल हो जाता है क्योंकि ये इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा कंटिन्यू और एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही दोस्तों इनका एक रील वीडियो वायरल होता है उसके बाद धीरे धीरे इनके व्यूज फिर से डाउन चले जाते हैं, बट अचानक से उसके बाद फिर से इनको एक बूस्ट मिलता है और इनकी एक और रील वीडियो वायरल हो जाती है, ठीक है। और अभी के टाइम में दोस्तों इनकी सभी वीडियो मिलियन में जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अपने ही साथ के टीम मेंबर राहुल जैसीवाल की, जिनके दोस्तों इंस्टाग्राम पर हाल ही में सिर्फ 1000 फॉलोअर्स थे और अगर अभी आप जाकर के देखोगे तो 30,000 का माइलस्टोन कंप्लीट भी कर लिया है। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे, अरे भाई मलिक ये सब हमको क्यों बता रहा है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऐसा इन्होंने अपने इंस्टाग्राम की आईडी में क्या क्या सेटिंग्स कर रखी हैं जो इनकी रील वीडियो अब इतनी ज्यादा वायरल हो रही हैं। और वो सेटिंग दोस्तों इन्होंने तब नहीं कर रखी थी जब इनके इंस्टाग्राम की आईडी पर 1000-2000 व्यूज आते थे, ठीक है। और दोस्तों ये वाली सेटिंग्स जब मैंने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी में इस्तेमाल करी तो आप यकीन मानो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पर भी अभी ठीक ठाक व्यूज आ रहे हैं। आप साइड में देख सकते हो किसी किसी वीडियो पर मेरे 13,000-30,000 तक व्यूज चले जाते हैं, नॉर्मली 7-8 हजार व्यूज तो आ ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ वो वाली सेटिंग्स जिनको आपको भी अपने इंस्टाग्राम की आईडी में लगाना है, जिनको लगाने के बाद दोस्तों धीरे धीरे आपकी वीडियो पर व्यूज इंक्रीज होने लगेगा और जैसे ही आपकी रील वीडियो का परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा आपका रील वीडियो वायरल चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। तो अभी गाइस हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और हम चलते हैं सीधा सीधा अपने इंस्टाग्राम के अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं कुछ बूम, ठीक है। तो यहाँ पर बूम दोस्तों आप देख ही सकते हो, जो कि मैंने आप लोगों से बोला भी था, अभी मेरे इंस्टाग्राम के आईडी पर अच्छे खासे फॉलोवर्स लाइक्स व्यूज आने लगे हैं और आप यहाँ पर प्रूफ भी देख सकते हो, ठीक है। मैं रैंडमली किसी भी इंस्टाग्राम के बंदे की आईडी को ओपन कर लेता हूँ तो देख सकते हो दोस्तों जिस बंदे ने मुझे अभी भी रिसेंटली फॉलो किया है जिसके 1,15,000 फॉलोवर्स हैं और अभी अभी मैंने इनको फॉलो बैक भी नहीं कर रखा है और इनके इंस्टा पर रिव्यूज देख लेते हैं तो देखो रील पर भी अच्छे खासे इनके व्यूज आ रहे हैं और एक ही मेरा यहाँ पर फॉलोवर्स नहीं आया है, ऐसे ही दोस्तों मेरे हर घंटे बाद 10-10, 15-15 फॉलोवर्स आते रहते हैं। दिन में मेरे 30-40 फॉलोवर्स 50 फॉलोवर्स अभी के टाइम में आ रहे हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपके फॉलोवर्स इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, इन सेटिंग्स को यूज करने के बाद आपके भी बढ़ने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके अपने सभी सेटिंग्स को जान लेते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले अपनी ट्रिक नंबर 1 को। तो इसके लिए दोस्तों आ जाना है आपको सेटिंग में, ठीक है, अपनी आईडी में आने के बाद। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे की साइड से एक अकाउंट वाला ऑप्शन दिखाई देता है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये अकाउंट वाला ऑप्शन नहीं मिलता तो आप नीचे की साइड से जहाँ पर लॉग आउट लॉग इन लिखा हुआ है इसके नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, तो उस पर आप क्लिक कर देना, आपका अकाउंट प्रोफेशनल बन जाएगा और आपको सभी की सभी सेटिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। अकाउंट वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर दोस्तों हमको एक ऑप्शन दिखाई देता है जो कि है ब्राउजर सेटिंग, ठीक है। ब्राउजर वाले सेटिंग वाले इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, देन यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है ब्राउजर डाटा का, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आपको इसको क्लियर कर देना है। इसको क्लियर करने से क्या होगा, क्या डिलीट होगा कुछ मैं बता देता हूँ। इसको क्लियर करने से दोस्तों क्या होगा, जो आप इंस्टाग्राम में रील्स देखते हो ना बहुत सारी दिन भर में, उसका जो डाटा खर्च होता है वो सारा का सारा इंस्टाग्राम में एक स्ट्रोक हो जाता है, तो उसको आपको क्लियर कर देना है जिससे आपकी आईडी एकदम फ्रेश हो जाएगी, ठीक है। आप इसको एक दिन बाद दो दिन बाद फ्रेश करते रहा करो, इससे दोस्तों आपकी इंस्टाग्राम की आईडी इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में बिल्कुल फ्रेश रहेगी, ठीक है। चलिए अब जानते हैं हम अपनी सेटिंग नंबर 2, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इसके लिए दोस्तों आपको बैक आ जाना है, देन ब्राउजर सेटिंग से बाहर आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है कैलकुलर डाटा यूसेज का, ठीक है। इस कैलकुलर डाटा यूसेज का क्या काम होता है दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इसके दो काम होते हैं, सबसे पहला जब दोस्तों आप इसको ऑन कर देते हो तो इससे आपका डाटा जो है बहुत ज़्यादा कम खर्च होता है, बट दोस्तों इसका दूसरा काम क्या है, पहला काम तो दोस्तों यही है कि जब आप इसको ऑन करके रील देखोगे तो आपका जो डाटा है वो बहुत कम यूज़ होगा, ठीक है, मतलब यूज़ तो होगा बहुत धीरे धीरे यूज़ होगा, बट दोस्तों इसका एक दूसरा काम ये है कि जब दोस्तों आप अपनी रील पोस्ट करने जाओ तो तब आप इसको बंद कर दिया करो, ठीक है। जब आप अपनी रील को पोस्ट करने जाते हो तो अब आप इसको बंद कर दिया करो, इससे होगा क्या ये भी तो जान लो। इससे होगा ये दोस्तों, जब आप अपनी रील को पोस्ट करोगे तो आपकी रील ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा एमबी तो लेगा, लेकिन जब आपका वीडियो HD क्वालिटी में पोस्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उस पर अच्छे खासे व्यूज आएंगे।
तो अब दोस्तों हम जान लेते हैं अपनी सेटिंग नंबर 2। तो इसके लिए दोस्तों आपको आ जाना है अपनी आईडी में, देन सिंपल सा आपको आ जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन में। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक ऑप्शन दिखाई देता है आपको नोटिफिकेशन के नीचे ही, क्रिएटर वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहां पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे से एक ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है मिनिमम एज का। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो एज वाला होता है, दूसरा है बाय कंट्री। तो एज वाले ऑप्शन को तो आपको बिल्कुल भी छूना नहीं है। अगर आप इसको टच भी कर दोगे ना, और आप यहां पर अगर अपनी जो भी एज डाल दोगे, तो आपके अकाउंट पर फॉलोवर्स बढ़ने की जगह और घटने लगेंगे, क्योंकि आपकी फॉलोवर्स आपकी आईडी को तभी देख पाएंगे जब उनकी एज उस लाइक होगी। ठीक है, तो आपको उसको नहीं छेड़ना है, उसके नीचे वाले को छेड़ना है। उसके नीचे दोस्तों हमको एक ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट योर कंट्री का। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पर कोई भी कंट्री सेलेक्ट नहीं कर रखी है, तो ये सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक हो सकती है। क्योंकि दोस्तों मान के चलो, अब अगर हम हिंदी में अपनी रील बना रहे हैं, और अगर हमारी इंडिया से बाहर रील जा रही है, तो लोग वहां पर इंटरेस्टेड नहीं रहते, और हमारी रील पर अच्छे खासे व्यूज इसी वजह से मेनली नहीं आते हैं। तो वहां पर दोस्तों आप +91 करके अपनी कंट्री को ऐड कर देना, जिससे हमारी वीडियो हमारी कंट्री के लोगों के पास जाने लगेगी, और हमारी रील वीडियो वायरल होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों जानते हैं अपनी तीसरी वाली सेटिंग, जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसके लिए हमें सिंपल सा चले जाना है सेटिंग में, और यहाँ पर हमको एक ऑप्शन मिलता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का। तो दोस्तों आपको प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर दोस्तों अगर आपका अकाउंट प्राइवेट है, तो आप अपनी वीडियो को वायरल करने का सोचना भी मत, और इतने बेवकूफ तो यार आप भी नहीं होंगे कि प्राइवेट अकाउंट पर रील वीडियो वायरल होने की सोच रहे होंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है मेंशन का। तो यहाँ पर इसको आप एनीवन करके रखना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रील का, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो टिक मिलेंगे, आपको सभी को अलाउ अलाउ दे देना है। देखो सबसे पहला है अलाउ योर रील, मतलब कि रील को तो आप अलाउ दे ही देना। उसके बाद आना है अलाउ फॉर फीड, मतलब कि वीडियो को आपको फीड में पहुंचाना है। तो भाई अगर ये ऑफ है, तो आपके वीडियो कभी भी वायरल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फीड से ही रील वीडियो वायरल होता है, जिसको हम बोलते थे ना फॉर यू पेज, जहां पर हम रील देखते हैं, रील सेक्शन में जा करके उसको बोलते हैं हम फीड। तो फीड में अगर आपका रील चला जाता है, तो वायरल हो जाता है। तो इसको आप जा करके 100% ऑन कर लेना, रिजल्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, लास्ट वाला जो है उसको भी आप जाकर ऑन जरूर करना। ये वाला सभी का ऑन नहीं होता फेसबुक रिकमेंड से, क्योंकि फेसबुक पर भी बहुत लोग एक्टिव रहते हैं, वो कि इंस्टा पर नहीं रहते हैं, तो वहां से भी रील वीडियो वायरल हो जाते हैं। अब दोस्तों रील से आप एक स्टेप बैक जाना, और एक स्टेप बैक जाकर के आपको स्टोरी वाले ऑप्शन पे चले जाना है, जहां पर नीचे की साइड से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अलाउ योर रील शेयर। ठीक है, तो आपको इसको अलाउ कर देना है, जिससे होगा क्या, आपकी कोई भी रील शेयर कर सकता है। ठीक है, रील भी शेयर कर सकता है, साथ ही साथ आपकी जो स्टोरी है वो भी शेयर कर सकता है। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि एल्गोरिथम को तभी पता लगता है कि वीडियो में दम है, जब आपकी कोई रील को शेयर करता है और आपकी स्टोरी को शेयर करता है, तब तो आपकी आईडी पर फॉलोवर्स ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। ये सेटिंग ऑन करते ही दोस्तों मेरे को एक जादू सा देखने को मिला, मेरी रील वीडियो पर भी व्यूज आने लगे, और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पर भी फॉलोवर्स भर भर के आने लगे। तो यही कुछ बेसिक सी सेटिंग थी दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को बता दी, जो मेरे पास में नॉलेज था भाई वो मैंने आप सभी को दे दिया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को एक लाइक भी कर देना।